नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजन सवाल हमसे ये कि वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए जिसके कॉर्डिनेट जीरो कॉमा ए हैं टू अनदर पॉइंट बी जिसके कॉर्डिनेट ए कामा जीरो हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ ए बी विल बी हमारे uh, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना बहुत ही सिंपल सवाल है बेसिक्स uh, पे फिर ये सवाल जाएगा कि ये आपका यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक अपना पॉइंट है ए यहाँ पे ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट से बी पॉइंट हमें यहाँ से एक पार्टिकल को लेके जाना है जिसका चार्ज माइनस क्यू है उसको इस स्ट्रेट पाथ में आप लेके जा रहे हैं ना एक चीज़ तो हमें पहले ही आ, कुछ फंडामेंटल्स की बात यहाँ कर लेते हैं आ, ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है इसमें आपका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है तो ए से भी अगर आप स्ट्रेट लाइन में जाएं सेमी सर्कुलर या जिक्गैक्ट कोई भी पाथ लें तो आपका वर्क डन पोटेंशियल ए और पोटेंशियल बी पे डिपेंड करेगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा राइट सो यहाँ जो अपना वर्क डन होएगा वो लिखा जाएगा इसका माइनस क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इस बी पॉइंट से ए पॉइंट आप ए uh, पॉइंट से बी पॉइंट लेके आए तो फाइनल माइनस इनिशियल नाउ इस बी पॉइंट का आप जो पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा uh, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल होएगा के क्यू डिवाइडेड बाय ए बिकॉज ये डिस्टेंस ए है ए का जो आपका पोटेंशियल होएगा इसका वी ए वो लिखा जाएगा के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ए नाउ क्योंकि वी ए और वी बी दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन दोनों के बीच में जीरो होएगा तो किसी भी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाए डन विल बी जीरो सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जीरो वुड बी द राइट आंसर